शिवविहार के स्कूल से विशाल गुलेल मिली, कल चांदबाग में ताहिर हुसैन के घर से जो कुछ मिला वो साफ साफ बता रहा है कि दिल्ली का ये दंगा पूरी तरह से प्री प्लान्ड था। हमने दिल्ली दंगे की और पड़ताल की। इंडिया टीवी रिपोर्टर्स हर उस जगह पर गए जहां पर हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी। ग्राउंड जीरो में जाकर हमने जो देखा, हमारे कैमरे में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ, उसको देखना और समझना बहुत जरूरी है। पेट्रोल पंप तेजाब की थैलियां, छतों पर मौजूद पत्थर ही पत्थर, जहां नजर जाएगी वहां पर जली हुई सैकड़ों कारें, बाइकें, खंडहर में तब्दील हो चुके अरमानों के घर और रोजी रोटी देने वाली दुकानें। तीन दिन के तांडव में दिल्ली में 600 गोलियां चली, करदमपुरी से फायरिंग हो रही है लगातार, 35 से ज्यादा लोगों की जान गई, 100 से ऊपर गिरफ्तारी हो चुकी है, 50 के करीब FIR दर्ज हो चुकी है, करोड़ों का नुकसान हो चुका है। तीन दिन की तबाही के बाद दिल्ली अब शांत है, एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन इस सन्नाटे में कई सवाल गूंज रहे हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि दिल्ली दंगा संयोग नहीं बल्कि सोचा समझा प्रयोग है। बाकायदा प्लानिंग करके, ब्लूप्रिंट बनाकर, जगह चुनकर वार किया गया। ऐसे में दंगे की सटीक और सच्ची इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत जरूरी है। इस दंगे की पड़ताल ऑन द स्पॉट जाकर इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने की। हर उस जगह पर इंडिया टीवी की टीम पहुंची जिसकी चर्चा मीडिया और सोशल मीडिया पर जोरों से हो रही है। हर उस किरदार से सवाल किया जो सुर्खियों में बना हुआ था। यमुना विहार, दिल्ली दंगे में शहादरा के DCP अमित शर्मा बुरी तरह से घायल हुए, उनकी सर्जरी तक हुई। इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। DCP पर हमला कैसे हुआ, किन हालातों पर हुआ, इसकी पूरी पड़ताल अभय पराशर ने लोकेशन पर जाकर की। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना विहार इलाके में, बी ब्लॉक में, और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये DCP अमित शर्मा की ये ऑफिशियल कार है, सियाज कार। असल में ये पूरा एरिया जो है ये यमुना विहार का एरिया है, सामने की तरफ चांदबाग का एरिया है, और अचानक से शाम को जो मॉब थी वो ये ग्रिल तोड़ते हुए इस तरफ पहुंची। उस वक्त अमित शर्मा इस गाड़ी में बैठे हुए थे, उनके साथ उनके ऑपरेटर और ड्राइवर थे और पेट्रोलिंग कर रहे थे, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से सामने की तरफ वहां पर जो ग्रिल है उसे तोड़ के मॉब इस इलाके में घुसी। आगे भी आप देख सकते हैं कई सारी जली हुई गाड़ियां हैं, गाड़ियों में आगजनी शुरू कर दी। जिस वक्त DCP अमित शर्मा पर हमला हुआ उस वक्त कैसा माहौल था, कैसे पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई, ये उस वक्त मौजूद आई विटनेस से सुनिए। एक गाड़ी रह गई थी जो है एकदम जो है तीन पुलिस वाले गली के अंदर जो है आए थे, हमने उनकी भी जान बचाई, उनको भी पीछे से के रास्ते से निकाला था। जिस शहर में पुलिस का सायरन सुनकर क्रिमिनल भाग जाते हैं उस शहर में पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। जाहिर है पुलिस पर हमला करने वाली कोई आम पब्लिक नहीं थी बल्कि ये ट्रेंड दंगाई थे। शिव विहार, दिल्ली से जैसे जैसे दंगे का धुआं छट रहा है वैसे वैसे साजिश की तस्वीरें क्लियर होती जा रही है। शिव विहार में कैसे प्लानिंग के साथ आग लगाई गई जरा वो भी देखिए। इस वक्त हम एक घर में है जहाँ हार्ड ड्राइव का नीचे काम होता था। ये जो आप बक्से देख रहे हैं ये DVD ड्राइव और हार्ड ड्राइव्स हैं जो कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती हैं, पूरी तरह से जल गई है। अगर आप अंदर देखेंगे तो हार्ड ड्राइव्स के अलावा आपको अंदर एक घर दिखाई देगा। आग इतनी भयावह थी कि जो ये लोहे के गाटर हैं ये पिघल गए और जिसके बाद छत भर भर आकर नीचे आ गिरी। अभी भी आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा, यानी आग अभी भी सुलग रही है। तीसरी मंजिल तक की छत टूट कर गिर गई है। उधर आप सोफा देखेंगे, बेड देखेंगे, वो किनारे बचा हुआ है और सब यहाँ कालिख है, धुआं है, विनाश है। इकलौता ये घर नहीं है, यहाँ एक के बाद एक इस गली में कई घर हैं। एक घर ये है जिसकी यहाँ किचन में ऊपर सिलेंडर लगा था और वो सिलेंडर फटने की वजह से पूरी दीवार भर भरा कर गिर गई और ये पूरा किचन का सामान आपको यहाँ पड़े हुए दिखाई देगा।
शिव विहार क्षेत्र मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर आता है। यहाँ के विधायक आप पार्टी के मोहम्मद यूनुस हैं, जो दंगे के दौरान सोशल मीडिया में कुछ ज्यादा ही एक्टिव थे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या थी, दंगे रोकने के लिए इन्होंने कितना जोर लगाया, ये जानना भी बेहद जरूरी है। सर क्या हुआ था, क्यों ये दंगा शुरू हुआ? आप जनता के प्रतिनिधि हैं, कुछ आप लोगों को अंदेशा था पहले से कि इस तरह से कुछ तैयारी हो रही है, कुछ चल रहा है? नहीं, कोई अंदेशा नहीं था, लेकिन हाँ अलबत्ता जिस तरह से बीजेपी के एक पूर्व प्रत्याशी ने सीलमपुर मौजपुर में जाकर जो कुछ प्रशासन की वहाँ मौजूदगी में कहा, उससे जरूर ये खतरा था कि इनके कुछ ना कुछ प्लानिंग है और कुछ ना कुछ होना है। ट्विटर पे आपका ट्वीट में देखता था लगातार, कुछ इलाकों का नाम बता रहे थे कि वहाँ पे आगजनी की कोशिश की जा रही है, लूटपाट की कोशिश की, कल भी आपने किया था, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती थी? कारण हम लोगों ने जब वेरीफाई किया तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला, कल भी हम गए थे वहाँ पे, आपसे बात होने के बाद हम लोगों ने अपनी टीम भेजी। नहीं, जिस इलाकों में मैंने लिखा है मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ वहाँ किस तरह घरों को लूट कर घरों को जलाया गया है। रात के लिए जो मुझे खतरा था वो भी रात हुआ है वहाँ पर, जो बीती रात की बात बता रहे जी, रात भी हुआ है मेरे साथ। अभी चलिए, मकान को लूटने के बाद ताला तोड़ के उसके अंदर सिलेंडर रख के सिलेंडर फाड़ दिया गया मकान के अंदर। हर किसी के पास अपने तर्क, अपनी राजनीति है, लेकिन जिन्होंने अपनी जान खोई उनके पास कोई नेता नहीं पहुंचा। ब्रह्मपुरी, ये है दिल्ली का ब्रह्मपुरी इलाका, जहां इसी महीने गली गली घूमकर नेताओं ने वोट मांगे थे। लेकिन ब्रह्मपुरी की इसी गली में एक बेटे के सामने उसके पिता की जान ले ली गई। बस इनका गुनाह ये था कि उनकी बाइक से उसके धर्म की पहचान हो गई। मोनू जी, आपकी कंडीशन भी इस वक्त ठीक नहीं है, पूरे सिर पे आपके चोट है, बहुत सारे टाके आपके आए हैं। उस दिन का इंसिडेंट जितना आप थोड़ा बहुत हमसे शेयर कर सके, आप कितने बजे घर से निकले अपने पिताजी के साथ, कहां जाने के लिए आप निकले थे और अचानक से किन लोगों ने कहां पर आपके ऊपर हमला किया? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं उस दिन अकेले जा रहा था यहाँ से ब्रह्मपुरी एक नंबर गली में, बेटे की तबीयत खराब थी, तो उस भी मेरे पापा ने मुझसे कहा बेटा अकेला मत जा, थोड़ा पापा का माहौल खराब है, तो मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। अचानक से मेरे पर ईंटा लगी, मैं गिर गया, उस बीच में उन्होंने पथराव कर दिया, फिर डंडे से मारा गया मैं। आपकी बाइक भी थी, आपके फादर आपके साथ ही बैठे हुए थे, वो भी गिरे, फिर बाइक में आग लगाई गई, वो क्या हुआ था? हाँ, हम गिर गए, फिर मैंने बाइक दोबारा उठाई बचने के लिए कि पापा उठ जाओ जल्दी, यहाँ पथराव हो रहा है, पापा वहाँ पे अभी बेहोश हो चुके थे। आप लोगों को मतलब उन लोगों ने पहचाना कैसे, क्योंकि इस तरीके की बात निकल कर आ रही है कि आपकी जो बाइक है, बाइक के ऊपर कुछ जब कुछ भी मेरा दिमाग इतनी नहीं है क्या, क्योंकि उस टाइम चोट लगी थी, मेरी बाइक पे आगे स्टिकर लगा हुआ था, महाकाल पर महादेव ऐसे कुछ था लिखा हुआ, मेरे बेटे नाम लिखा था ऊपर यश, बाइक के ऊपर स्टिकर था महाकाल के नाम से, तो उस बीच से पहचान लिया हुआ कि बड़ा दिखा रहा था, मैंने अलग दिख रहा था वो। जिस तरह मोनू ने घटना का जिक्र किया वो वाकई डरा देने वाला है। हमारी टीम ने फैसला किया कि ऑन द स्पॉट जाकर इस घटना की पूरी पड़ताल की जाए। जब हम आगे बढ़े तो जो तस्वीर सामने आई वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि ब्रह्मपुरी की गलियों को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। गलियों में एक तरफ हिंदू घर है, दूसरी तरफ मुस्लिम। ऐसी एक गली में दंगाइयों ने विनोद की जान ले ली थी। जो है अपनी बाइक पर निकले, यही उनकी बाइक है जो जली हुई है, सामने की तरफ वो निकले और उसके बाद ये जो रोड सीधा बाहर की तरफ जा रही है, यहाँ पर उनकी बाइक को जैसी वो यहाँ पर पहुंचे, सामने की तरफ से उनका ये कहना है कि बड़े बड़े पत्थर आकर लगे, जिसमें उनके पिता जो हैं विनोद, उनके बहुत तेज सिर पर पत्थर लगा, वो सीधा सड़क पर गिर गए और उसके बाद उनके बेटे के ऊपर भी काफी ज्यादा पथराव किया गया। मोनू और उनके पिता विनोद, जो कि यहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे, उनके ऊपर पथराव किया जा चुका था, उनके ऊपर काफी ज्यादा डंडों से हमला किया गया और उसके बाद उनकी ये जो बाइक है उसमें आग लगा दी गई, आग के हवाले इस बाइक को कर दिया गया। और इस पूरी घटना के अंदर विनोद नाम के जो बुजुर्ग शख्स थे उनकी मौत हो गई। एक और इसमें एक एंगल निकलकर सामने आया है, जैसा कि जो विनोद है मृतक, उनके बेटे का ये कहना है कि बाइक पे जब वो यहाँ से निकल रहे थे उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, बाइक के ऊपर आगे महाकाल का स्टीकर उन्होंने लगाया हुआ था, ये उनका कहना है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि लोगों ने पहचाना कि ये कौन लोग आ रहे हैं, उसके बाद उनके ऊपर हमला किया गया। हालांकि ब्रह्मपुरी की बंद गली की इस तस्वीर को देखिए, गली की दाईं तरफ एक पोस्टर लगा है जिसमें केजरीवाल की फोटो है और वहां के विधायक अब्दुल रहमान की बड़ी फोटो है। यानी साफ है कि इस ब्रह्मपुरी में जो अनर्थ हुआ उसको बचाने की जिम्मेदारी अब्दुल रहमान की भी थी। ऐसे में हमारी दूसरी टीमें सीधे आपके विधायक रहमान के पास पहुंची।
इलाके में, खासकर पूर्वी दिल्ली के, मैं आपके विधानसभा के क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह का तांडव हुआ, एक जिम्मेदारी आप लोगों के पास भी आती है, पब्लिक ने आपको चुन के विधानसभा में भेजा है, आप लोगों के प्रतिनिधि हैं, आपने ऐसे हालात को काबू करने के लिए अपने लेवल पे आपने क्या किया? देखिए, मैंने जगह जगह मीटिंगें की लोगों से, मौजूद लोगों से, और शांति बनाने की अपील की, और ये कहा कि लोग घर में रहें, मोहल्लों में इकट्ठे ना हों, रोड्स पर ना जाएं, हुड़दंगबाजी ना हो, ताकि कोई किसी तरह का उपद्रव या कोई गलत फहमियाँ पैदा हों और गलत बातें फैलें। पूर्वी दिल्ली में जाफराबाद में कुछ लोग जो CA के विरोध में प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, वो एक ट्रिगर पॉइंट बताया जा रहा है कि उसके बाद जो सपोर्ट में जो लोग थे वो लोग भी सड़क पे आ गए थे। 23 तारीख को जब ये हुआ था, कपिल मिश्रा ने बयान दिया था, तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि दंगा भड़काने में उसकी साजिश है। तो इन दोनों को कहाँ से आप जोड़ के देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे प्रदर्शन में बैठे थे उसके बाद इस तरह की घटना हुई है दूसरी तरफ के लोग आके की? देखिए, प्रोटेस्ट की जहाँ तक बात है, किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग या किसी भी इंसान को किसी देश के कानून से ऐसा लगता है कि ये मेरे खिलाफ है या ये ठीक नहीं है।